नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उन्नाव पुलिस की नई पहल से सुधरेगी बीट पुलिसिंग व्यवस्था। बीट के सिपाही अफसरों को बताएंगे गांव में कौन क्या कर रहा है, रुकेंगी आपराधिक घटनाएं। पुलिस प्रशासन ने जिले में बीट पुलिसिंग को सुदृढ़ करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि बीट सिपाहियों को अधिक सक्रिय और जिम्मेदार बनाने के लिए हर रोज 20 स्थानों से एक एक सिपाही को बुलाकर उनके द्वारा की गई बीट रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बीट सिपाही को अपने क्षेत्र की गतिविधियों पर पूरी जानकारी रखना और अपराधियों पर नजर रखना सुनिश्चित करना है। बीट पुलिसिंग का उद्देश्य, एसपी दीपक भूकर के अनुसार बीट पुलिसिंग का प्राथमिक उद्देश्य पुलिस और समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करना है। जब सिपाही अपने क्षेत्र की परिस्थितियों और वहां के लोगों से भलीभांति परिचित होते हैं तो वे अपराधियों की गतिविधियों पर बेहतर तरीके से नजर रख सकते हैं। यह प्रणाली न केवल क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाएगी बल्कि सिपाही स्थानीय लोगों का विश्वास जीतकर अपराध नियंत्रण में भी मददगार साबित होगी। नियमित समीक्षा और कार्रवाई, एसपी भूकर ने निर्देशित किया है कि हर रोज थानों से एक सिपाही को दफ्तर में बुलाकर उससे उसकी बीट की जानकारी ली जाएगी। इसमें क्षेत्र में हो रहे अपराध, संदिग्ध गतिविधियां और स्थानीय समस्याओं की जानकारी शामिल होगी। सिपाही को अपने क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी होगी। अगर किसी सिपाही ने अपने क्षेत्र की सही जानकारी नहीं दी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों की भागीदारी, एसपी ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और अपने क्षेत्र में हो रहे अपराधों की जानकारी पुलिस को दें। स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है क्योंकि अपराधी अक्सर स्थानीय जनता को निशाना बनाते हैं। उम्मीद और भविष्य, उन्नाव में बीट पुलिसिंग की इस नई पहल से स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन को विश्वास है कि सिपाही अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त और संवाद से अपराधियों के मन में भय पैदा करेंगे। एसपी दीपक भूकर की यह कोशिश उन्नाव को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे भविष्य में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।